हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले की उभरती बाल गायिका दीक्षिता पटेल का आज डूंगरपुर जिले के गोरेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर ट्रस्टी द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। बड़ा हर्ष का विषय कि आज हमारे बीच में हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र से दीक्षिता पटेल मैडम, जो कि अपने भजन गायिका के रूप में यहाँ वागड़ में बहुत प्रख्यात हैं, आज हमारे गौरेश्वर महादेव तीर्थस्थल पर पहली बार उनका आवागमन हुआ है। गौरेश्वर तीर्थस्थल की कमेटी द्वारा बहन का भावपूर्ण अभिनंदन स्वागत किया गया और मैं बहन से प्रार्थना करता हूँ कि आप वागड़ के एक रत्न हो और वागड़ के सभी धर्म स्थलों पर आप इस प्रकार पधारें और वागड़ की जो ज्ञाता है वो अपने भजनों में व्यक्त करें और नियमित आप जब भी धर्म के कार्यक्रम हो आप निश्चित इस पवित्र स्थान पर पधारें। पुनः आपका इस वागड़ क्षेत्र का पवित्र स्थल गौरेश्वर महादेव तीर्थस्थल पर आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत कर रहा हूँ कि आप एक भजन हमें सुनाएं। इस तीर्थस्थल पर आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, कृष्ण जन्माष्टमी, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में एक भजन सुनाएं। मेरा नाम दीक्षिता पटेल है, मैं रहने वाले गांव से जिला बांसा हूँ। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। सदना दारिक वाला शिव जी, नमरुवा वाला जी, डमरुवा वाला बड़ा ही दयाला, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी गाँव, छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
बांसवाड़ा से है, इसका गौरेश्वर तीर्थ दान पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अपने वचनों से हम सबको लाभान्वित किया। वास्तव में इस बालिका का भी इस उम्र से जो कंठ और जो लय है, इससे हम सबको विभूत कर दिया। और मैं भगवान गौरेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बालिका आगे जाकर भी बहुत बड़ी गायिका बने, बहुत बड़े समूह में अपना नाम कमाए, अपने पिताजी का और अपने इस क्षेत्र की बहुत बड़ी गायिका बने, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही आज इस अवसर पर हमारे सागवाड़ा से बना रहे एकता समाचार के श्रीमान राजू भाई का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप हमेशा श्रावण मास के अंतर्गत गौरेश्वर करते ही हैं और यहाँ के भक्तों का इस तीर्थ धाम का आगे जाकर आप अपने चैनल के माध्यम से सभी को इस गौरेश्वर महादेव के दर्शन का लाभ देते रहते हैं, इसलिए पुनः आपका भी हार्दिक स्वागत। ये तीर्थ आप सबका अनजाना नहीं है, आसपास के लोग जानते हैं। यह श्रावण मास के अंतर्गत भगवान गौरेश्वर महादेव के सानिध्य में जो भी भक्तजन आता है वो लाभान्वित होता है, उसकी निश्चित ही भगवान गौरेश्वर का मनोकामना पूरी करते हैं। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जय महादेव।